करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन होता है अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन होता है सिलेक्शन। सो इससे पहले हमें बताना चाहिए फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर अप टू वन, यानी कि सभी नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट वन तक, और इसको हम एन फैक्टोरियल ऐसे डिनोट करते हैं। जीरो फैक्टोरियल हमेशा वन के इक्वल होता है। परम्यूटेशन क्या होता है? परम्यूटेशन एक अरेंजमेंट है, वो अपने आपको बता चुकी। ये अरेंजमेंट है इन डिफाइनाइट ऑर्डर ऑफ समथिंग टेकिंग सम और ऑल दैम इज कॉल्ड परम्यूटेशन। यानी कि यहाँ पर देखो क्या है, अगर हमें परम्यूटेशन फाइंड करनी है एन डिफरेंट थिंग्स की टेकन आर एट ए टाइम ऑब्जेक्ट डू नॉट रिपीट, तो फॉर्मूला होता है एन पी आर। यहाँ पर पी परम्यूटेशन है, इसको इसका ओपन कैसे करते हैं? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन में से ये आर सब्ट्रैक्ट करें, एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये एन पी आर का फॉर्मूला होता है। एन सी आर को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं एन आर। अब उसके बाद एक क्वेश्चन करवाऊंगी, उससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ फोर डिजिट नंबर, टोटल नंबर ऑफ फोर डिजिट नंबर विच कैन बी फॉर्म बाई यूजिंग डिजिट 1, 2, 3, 6। यानी कि हमें फोर डिजिट का नंबर फॉर्म करना है और हमें ये डिजिट जो है पाँच, ये 1, 2, 3, 6, ये पांच डिजिट का यूज करके मुझे फोर डिजिट नंबर का फॉर्म करना है। तो इसमें दो केस बनेंगे, रिपीटेशन अलाउड, यानी कि एक नंबर को हम बार बार रिपीट कर सकते हैं, केस नंबर वन, और दूसरा रिपीटेशन नॉट अलाउड, यानी कि एक नंबर को एक ही बार यूज कर सकते हैं। तो रिपीटेशन अलाउड में क्या हो जाएगा, फोर डिजिट का चाहिए तो फोर मैंने यहाँ पर फोर मार्क लगा लिए हैं। तो फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पर कितने नंबर ले सकती हूँ, इन पांचों में से कोई भी ले सकता हूँ, यानी मेरे पास पांच चॉइसेस हैं। मल्टीप्लाई रिपीटेशन अलाउड है, तो एक नंबर को अगर मान लो मैंने पहले थ्री लिया है तो दोबारा भी मैं थ्री ले सकती हूँ, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो यानी कि आगे दोबारा भी फाइव चॉइस हैं, इसके बाद फाइव चॉइस, क्योंकि रिपीटेशन बार बार एक नंबर ले सकती हूँ। तो यानी कि फोर टाइम्स फाइव की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि फोर डिजिट का नंबर फाइंड करना है, तो 16। अब रिपीटेशन नॉट अलाउड में क्या हो जाएगा परम्यूटेशन के केस में, कि पहले जो चार मैंने यहाँ पर मार्क लगा लिए, अब देखो पहले नंबर पर मैं पांचों में से कोई भी नंबर ले सकते हैं, यानी मेरे पास पांच चॉइस थे। अब सेकंड नंबर पर मेरे पास फोर चॉइसेज हो, क्योंकि एक चॉइस तो यहाँ पर आ चुकी है ना, तो रिपीटेशन मैं कर नहीं सकती क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो यहाँ पर मेरे पास चार चॉइसेज आ जाएंगे। अब दो नंबर मैंने यहाँ से ले लिए, तो मेरे पास कितनी चॉइसेज बची हैं? तीन चॉइसेज बची हैं। अब तीन नंबर लेने के बाद तो दो नंबर बचे, यानी दो चॉइसेज बची हैं, तो मल्टीप्लाई करिए 120 हो जाएगा।